हर हर दुर्गे। ब्रेक 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 जरूर 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 देगी। मैं क्या देख रहा था, क्या दिख रहा है यार? बहुत खुश हुए बाहुबली। देखो तब से कौन तू भैया के साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस ब्लॉग में। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं फॉर जोन। और अब हम बढ़ चले हैं हर्षल से आगे की तरफ से मेरा मतलब है गंगोत्री की साइड जा रहे हैं। अब निकलने वाले हैं। और हमारे साथ ये दोस्त लोग सब नीचे पहुंच चुके हैं। मेरे साथ है अभी अभिषेक जुगरान, मैंने ही रोका था। और दूसरे है हमारे साथ अनून ब्लॉग। और अब हम निकलने वाले हैं और जो हमारे प्लान्स हैं वो कुछ इस प्रकार से कि अभी हम गंगोत्री टच करने की कोशिश करने वाले हैं और प्लस हम बीच में कैंपिंग भी करने वाले हैं क्योंकि हमने कल कैंपिंग नहीं की थी तो आज हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। प्लस जो हमारी कल की मैगी भी बची हुई है तो उठाए तो चल पड़े बहन कर सुदई कहाँ जा टेंट उठा लिया हमने। अब टेंट उठा लिया और अब हम निकल रहे हैं अपने डेस्टिनेशन के ट्रैक पे। तो इस बार के थोड़ा ड्राइवर बदल रहे हैं हम अपनी गाड़ी बदल रहे हैं। अब है हमारी गाड़ी ये महारानी, ये क्वीन है हमारे साथ अब एंड तारक देवी। और हमारे ड्राइवर हमारे साथ सुशांत गुवारी भाई साहब चले हर्षल को छोड़ कर अपनी करते हैं गंगोत्री। थोड़ा यहाँ पर जाम की स्थिति लेकिन चलते रहेंगे अब। रोड को पार करके अब हम बढ़ चले हैं ऊपर गंगोत्री साइड। ये हुई ना मर्दों वाली बात। ब्रेक 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 जरूर 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 देगी। ये तो पूरा फिसलन है भाई। ओ भाई साहब अगर मैं क्रॉस करने की कोशिश करूँ आराम आराम से चलना पड़ेगा यहाँ से। आराम से काली बर्फ वो साइड से निकाल सकते। तो भाई साहब एक गांव ये भी है इसमें काफी हद तक पुराने जमाने के उस तरीके के घर दिखेंगे आपको लेकिन यहाँ पर थोड़ा पलायन की स्थिति ज्यादा दिख रही है मुझे। ऑलमोस्ट सभी घर खाली है यहाँ पे और सैंड में ये आइस अटकी हुई यहाँ पर हल्के फुल्के पैचेस बने। उतर ही जा भाई उतर ही जाओ ना। पैचेस नहीं वो तो वहां से जमा हुआ है आगे देख। अबे पूरा जमा पैच का दिख रहा तुझे? मैं क्या देख रहा था और क्या दिख रहा है? अरे भाई साहब ये तो नदी ही जमी है। ये देखो एक छोटी सी वो होगी इसकी धारा वो पूरी जमी हुई है भाई देख रहे हो। और अभी तो ये दिसंबर का महीना है आगे महीने में तो भयंकर हाल हो जाएंगे यहाँ कुछ ज्यादा ही भयंकर हाल भाई। ये रहा ये देखो ये पीछे से आ रही है एक इसकी छोटी सी नदी और ये पूरी जम चुकी है। थोड़े से ऊपर जाने में ही यहाँ पर कितना भयंकर तापमान गिर रहा है भयंकर तापमान गिर रहा है यहाँ पे। आगे चलो आगे हमारे साथी भी अब हम आगे चलते हैं निकलते हैं। गाइस मुझे लग रहा है यहाँ पर जमा हुआ है बहुत कुछ। अच्छा नजारा है यहाँ से और यहाँ पर देखो जैसे कुंड बने होंगे। और गाइस यहाँ पर देखिए हम भयंकर एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं यहाँ पे। पॉकेट बताइए कहीं घर पे या कहीं बाहर ना करिए सर प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम। बताओ आप देखो थैंक यू सो मच। क्या मस्त क्रिस्टल बने हुए हैं इनके देख रहे हो बुरबुरी से बर्फ। हाँ क्या मजा आ रहा है क्रिस्टल में। ये क्या पैटर्न बने हुए हैं देखो चलती रिवर के बर्फ जमने पे इस तरीके से पैटर्न बनते हैं। क्या
मस्त व्यू पॉइंट है अगर कोई जा सके वहाँ पे। लेकिन भाई साहब खैर कोई बात नहीं, चलो 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 चलो। और मैं एक कुछ खास चीज दिखाने वाला हूँ आपको। ये देख गोवेश्वर गर्तांग गली गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। बेसिकली यहीं से कहीं से बीच से एक रास्ता भी कटता था ना निलोंग का। मुझे एग्जैक्टली वो रास्ता याद नहीं आ रहा, पर यहीं कहीं से एक रास्ता है निलोंग का। काइंड ऑफ ये देखा जाए तो ये भी निलोंग वाले का हिस्सा हो गया। पर इन्हीं चट्टानों के वो देखो वो रास्ता जो जा रहा है वो निलोंग वाले का है मेरे ख्याल से। आई एम नॉट श्योर बट शायद वो वही वाला है। हाँ निलोंग के लिए जो निकल जाता है निलोंग वैली बेसिकली वो सिल्क रूट का हिस्सा था रहा है गर्तांग गली। अच्छा अच्छा बोल लिखा है गर्तांग गली जिसे बोलते हैं। अब ये लिखा हुआ है देख प्रवेश वर्जित है दिनांक 30/11 से 30/3 तक मतलब मार्च तक। यहाँ पर आप यहाँ तक यहाँ पे नहीं आ सकते आप। 30 नवंबर से 31 मार्च तक बंद है गर्तांग गली फिलहाल बंद है। अप्रैल में खुलेगी सीधा डायरेक्टर। खैर कोई बात नहीं, सब देख रहे हो आप शीतकालीन में इसीलिए बंद है। यार पूरे बर्फ के पूरे जम चुके हैं यहाँ पे। नहीं ये भाई निकलेगी क्या? हाँ निकल गई। लगवा रही इसको पकड़ मेरी बेटी पर। बहुत खुश हुए बाबू वाली। इसका नीचे रह गया आज अभी का। ओह गॉड ये प्रशांत भाई करने के जा रहा है। और गाइस यहाँ से हम एक्सपेरिमेंट करने वाले क्या ये नीचे जाके कितना चूर चूर हो सकता है इसका। और ये हमने फेंकी गाइस गंगोत्री की सड़क पर आ चुके हैं हम। और अब चलते हैं हम अंदर की तरफ। उत्तराखंड पुलिस की तरफ से हमें यहाँ पे पार्किंग दी गई है मस्त पार्किंग की सुविधा। ये रही सुविधा हमारी पार्किंग। माँ गंगोत्री का जय हो। गंगा के उद्गम पूरा खाली खाली कराई है। स्पेशल अरेंजमेंट कराया है मैंने आपके लिए। तो भाई साहब हम पहुंच चुके हैं गंगोत्री। बात ऐसी है कि पहली पहली ट्रिप है और भाई साहब जब जो यहाँ है कि हमें महसूस हो रहा है ना जो फील है यहाँ जो शांति सुकून और मजेदार आनंद का अनुभव हो रहा है भाई बयान नहीं हो सकता। कत बयान नहीं हो सकता। मेरा भाई कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ और मैं उसका पूरा समर्थन करता हूँ। और हमारे साथ है हमारे ग्वारी भाई। कैसा लग रहा है भाई साहब आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है यार। यहाँ मैं पहली बार ही आया हूँ। अरे क्या बात है बहुत पहले से था यहाँ पर आने का। हाँ, दोनों तरफ से फोन हो रहा है अलग अलग ड्राइवर्स को। पीछे पे फुल ये आगे पहुँच चुके हैं। हमारे साथ के जो बंदे हैं वो आगे चले गए। आगे चले आगे चले चलो चलो चलो। इतना डिटेल ब्लॉग कोई नहीं दिखाता होगा भाई साहब। देख रहे हो आप सीसीटीवी। भयंकर शांति है भाई साहब यहाँ पे। और यात्रा सीजन में तो भाई ये सारी दुकानें चलती होंगी लेकिन अभी के लिए सब शांत। देख रहे हो कितनी शांति में आ रहे हो। लेकिन इसका भी अपना एक अलग मजा है कि आप इतनी शांति में आते हो। हालांकि बर्फ़ देखने को नहीं मिलेगी आपको यहाँ पे अभी के लिए लेकिन बहुत जल्दी पड़ने भी वाली है ऐसी किसी बात नहीं है उसकी दिक्कत नहीं है। और ये रहा गंगोत्री मेन। पहुँच चुके हैं हम। ये रहा मंदिर दर्शन का पूरा जो टाइम शेड्यूल है अंदर अंदर के लिए शायद आई थी सीधा है। मंदिर लिखा था। अच्छा अच्छा तो हम सीधा मंदिर के लिए बढ़ चले हैं हम आगे की तरफ। और ये हमारे कुछ साथी लोग घूम रहे हैं यहाँ पे खाली रोडों में। भाई साहब सारे के सारे काले हैं भाई देख रहे हो। सारे भोटी है भोटिया ही होंगे। हाँ सब भोटिया है। अरे डबल ये देख। हालांकि तबीयत खराब है लेकिन चाल डाल वही है उसकी। जनवरी में आते तो तब तो श्योरली बर्फ पड़ चुकी होती है हमें ना। हाँ तब तो यहाँ दिक्कत हो जाती है आने। आज भी हो सकता है कि पड़ी जाए। शीतकालीन में रोक देते हैं वैसे।
मुख्य मंदिर मार्ग, तो मंदिर मार्ग के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं अब। ओहो, ये रहे हमारे साथी संगी, कुछ खड़े हैं यहाँ पे। ये तिवारियाँ देख रहे हो, उनको तिवारी बोलते हैं। तिवारी सुनसान मिलेगा, ऐसा भयंकर सुनसान है। तो और ये आ गए हम गंगोत्री मंदिर। जय हो, जय हो गंगोत्री। मैंने पहले कहा था लोगों को सुनसान मिलेगा, देखता हूँ कोई भी होगा कुछ ज्यादा ही सुनसान। मैंने बता दिया ब्लॉग में पहले से, वो ना बताओ मैं, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है, मैं ऐसा ना। उसके बाल देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कुत्ते के बाल होंगे साले। सही में कुत्ते के बाल लग रहे, सही करूंगा तो करूंगा ना अभी भाई। टोपी लगा के आया था यार, खुजली हो रही सर में, भयंकर टोपी लगा के। अभी बता दो, अभी बता दो तेरे को, तो मैं अभी बता दू। ये ले ले, अब कैसा लग रहा हूँ? अब कैसा लग रहा हूँ? हीरो हीरो, अरे शाहरुख शाहरुख, इसकी भूख। अरे शाहरुख खान फिल्म स्टार, रख दे टोपी अंदर। जुराब पहन लिए हमने, रघुवारी भाई भी जुराब पहनने आ चुके हैं वापस। ठंडा ही भयंकर ठंडा है, भयंकर भाई। चलिए चलो, जय हो जय हो जय हो। उद्गम स्थल भी अपने दर्शन देता हुआ यहाँ पर सुकून से। और पीछे देखो कितना धुंध हो रखा है हिमालय में, देख रहे हो बिल्कुल शीतलहर चल रही है भयंकर वाली। यह प्राचीन अखंड किला, जिस तरीके का है। जय हो, यह धुनी यहाँ पर चलती रहती होगी जब मंदिर के कपाट खुलते हैं। और सामने ही गंगोत्री, यहाँ पर थोड़ा नॉलेज देते हुए यहाँ पर कुवारी भाई, अगर आपको नॉलेज चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ गंगोत्री के बारे में कुछ अनकही और अनसुनी बातें जो कुवारी भाई हमारे जानते हैं। जो आप देख पा रहे हो है ना, माँ गंगा का धाम, ठीक है। ये अपनी कल कल बहती हुई भागीरथी, गंगोत्री नेशनल पार्क है जो आपके चारों तरफ आपको दिख रहा है। वैसे ये बत्तीसी के हिस्सा है और 6 महीने का पाट बंद रहते हैं जैसा कि सब जानते हैं। और 6 महीने यहाँ पर बिल्कुल सुनसान जाता है, देख रहे आप, कोई लॉज कुछ नहीं खुला है। हाँ, मुश्किल से शायद कोई कोने में कोई दुकान खुली होगी, हो सकता है मैगी वैगी वाली, वो भी बहुत कम चांसेस उसके भी, ठीक है। तो अगर आप इस मौसम में, हमारा ये मौसम पहना परफेक्ट है क्योंकि बर्फ में आते ना तो इतनी धुंध हो जाता है कि नहीं दिखता कुछ भी। हम परफेक्ट में है, स्नो लेडन माउंटेन्स हमारे चारों तरफ है, ठीक है, बर्फ से ढके हुए। और जगह भी एकदम खूबसूरत है, ठीक है, आप तो देख पा रहे हैं हर चीज़, उतर सकते हैं, ठीक है, दर्शन करने हैं तो अब देखो, क्योंकि वैसे तो 6 महीने तो पूजा उधर ही होती है नीचे, ठीक है, लेकिन ये है कि यहाँ पर आराम से आप घूम सकते हो, चल सकते हो, नहीं तो बर्फ़ में चीज़ें करना थोड़ा मुश्किल आता है। और हमारे जैसे लोगों के लिए, जो लोग टू व्हीलर्स के साथ एडवेंचर्स पे होते हैं, उनको तो थोड़ा और मुश्किल आता है। आप इस बार गंगोत्री आए हैं, अब अगली बार के लिए थोड़ा आगे का भी देख रहे हैं, सतोपंथ का भी देख रहे हैं, स्वर्गारोहिणी। मैंने सोचा कि जिंदे जीते जी भाई लोगों को स्वर्ग का दर्शन करा ही देते हैं, ऐसा सोचा है, इसलिए अगला उसके लिए सोचा है। तो भाई ने सोचा तो बहुत है हमारे लिए मालिक। नीलॉन का हिसाब ये यार कि वहाँ के लिए इनर लाइन परमिट चाहिए। अरे हम चुपचाप से घुसना चाहते हैं। अरे घुसना चुपचाप से करना पड़ेगा, उसका जुगाड़। वो आर्मी की दया, अगर उन्होंने जाने दिया मान गए तो, अगर उनके उन्होंने हम पर थोड़ा सा भी वो कर दिया कि हाँ जाओ थोड़ा आगे तक घुमाओ तो उतनी दूर तक घूम के आराम से आ सकते हैं। नीलॉन्ग वैसे है तो काफी आगे तक, बहुत डीप परमिट क्या अभी हमें मिल सकता है? नहीं, घर से पहले अप्लाई करना पड़ता, उसके बाद उत्तरकाशी में जहाँ डिस्ट्रिक्ट वो है वहाँ पर शायद जो SDM ऑफिस होता है वहाँ से शायद, जहाँ तक मैं समझता हूँ, स्टैम्प पर साइन लगवाने पड़ते हैं। और प्रॉब्लम मतलब ये नहीं है, अपना प्रॉब्लम चांस है कि नहीं है। उसमें काम प्रॉब्लम ये नहीं है, देखो हम ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और निकल भी आता है। प्रॉब्लम ये है कि उसके बाद वो उसका जो स्टैम्प और उसके चक्कर में ना आदमियों के बाद दिन भर बैठना पड़ जाता है, क्योंकि होता ही, आप बताइए, आपको काम वाम करने जाओ, कभी है कभी अफसर है नहीं है, दिक्कत हो जाती है। तो गंगोत्री मैया के दर्शन, अभी कपाट तो बंद है लेकिन दर्शन करने के बाद अब हम चल रहे हैं घाट की तरफ। यहाँ पर है स्नान घाट, तो हम नीचे की तरफ चलते हैं। मकर
मगर के ऊपर बैठी विराजमान गंगा माता। और यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर है भागीरथी का, जो भागीरथी के जिन्होंने भागीरथ उनकी तपोभूमि है। यहाँ पर तपस्या करके उन्होंने गंगा को यहाँ पर से उद्गम करवाया था, उन्हीं की वजह से आज हम गंगा माता के दर्शन अपने पृथ्वी पर कर सकते हैं। जय हो भागीरथी। भगवान जी हमारे। अब गंगा जब उतरने लगी थी तो बहुत ज्यादा वेग था और ये समस्या थी कि भाई उतरेगी और उसके से कहीं धरती ऐसा ना हो कि तबाही हो जाए। बहुत, इसलिए फिर महादेव से प्रार्थना करी तो तब उन्होंने विकराल रूप की थी अपने उसमें जटाओं में संभाला और फिर एक लट खोली और उससे फिर धीरे धीरे गंगा को नीचे धरती पर उतरने दी। जब खुला हुआ मंदिर। पहली बार ऐसे आए जब हर्षिल आए, हर्षिल में बैठे हुए थे, वहाँ एकदम दिल किया गंगोत्री माता के मंदिर का दर्शन करें तो बस सीधा वहाँ से गाड़ी उठाई और यहाँ पहुँच गए। चलो अच्छा, यहाँ पे पता चला कि सब कुछ बंद है, पता ही था बंद है फिलहाल तो, पर हमें बोतलें मिल गई गंगा जल के लिए। गंगा जल तो लेके जाएंगे कम से कम, यहाँ पे जो आए गंगा जल जरूर लेके जाएंगे। एक बार हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर गंगे, जय हो। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। अरे वो मैं बोल रहा था कि यहाँ पे वो मिल जाएगा क्या जो पीपा होता है उसके लिए, गंगा जल नहीं जाने के लिए? गंगा जल ऐसे बोलने के बाद होगा अच्छा, अंदर ये शायद भी रखता हूँ। वैसे दुकानें खुली नहीं है ना यहाँ? अब नहीं खुलेगी, सीजन बंद है। अच्छा, पूछ लो पंडित जी से। ठीक है, रखते हैं। कोई भी नहीं है क्या? अरे यार तो कैसे होगा काम तो? डब्बा तो नहीं है प्रभु, एक भी खाली हो रखा नहीं है क्या? अरे अच्छा, कहीं मिल जाएगा कुछ ऊपर कहीं और आप ढूंढ लो बाजार में, मार्केट में। अच्छा अच्छा, ठीक। पूछ के आते हैं। यहाँ पे गंगा जल वो जो ले जाने के लिए वो नहीं है तो? नहीं मिलेगा यहाँ? अरे यार क्या करें फिर, पानी की बोतल उस वो उसी में भरते फिर? बोतल में भर दो। हाँ जी, हाँ जी, वही भर दो। बोतल होगी दो तीन बोतलों में भर दो वहाँ नीचे। हाँ थोड़ा थोड़ा कर लेंगे हम तो डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ हाँ, वो पानी की बोतल है ना, उनसे उन पर कर लेते हैं। तो भाई साहब हमने गंगा जल भर लिया है और अब देख रहे हो आप ये हल्की हल्की जो आपको नीचे दिख रही होगी बर्फ गिर रही है, यहाँ पर बर्फ गिरना स्टार्ट हो चुका है, हल्का सा है, बिल्कुल हल्का है, अभी कुछ भरोसा नहीं है, धूप भी आ चुकी है, हल्की बारी हल्की बूंदा बांदी। देखो तब से कहा था, तब से कहा था कौन तू भैया के साथ था, उसके बाद वो मेरे साथ था भाई, वो भाई उसको पानी भरना चाहिए, बर्फ गिरने लग गई बिल्कुल। हाँ, सूखी लकड़ियाँ रख रहे हैं हम अब अपने कैंप के लिए यहाँ से, और अभी आगे जाके लगाएंगे। हालांकि यहाँ पर बर्फबारी भी हो गई है स्टार्ट, धीरे हल्की फुल्की है लेकिन अभी उतना खास दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ फोन में तो नहीं दिख रहा खास कर, लेकिन हमें दिख रही है हल्की फुल्की बर्फबारी यहाँ पर। और ये रहा गंगोत्री
का मेन गेट। अब हम वापस जा रहे हैं यहाँ से, बस यहीं से हम जरा लकड़ियाँ भर रहे हैं ताकि वहाँ पर चूल्हा जला के और मैगी वगैरह बना सके और कैंपिंग में थोड़ा मजे लूट सके। बाकी अब चलते हैं नीचे की तरफ। तो हम बजट बढ़ाने का भी सोच रहे हैं अभी, क्योंकि बर्फ पड़ने वाली है, पड़ी रही है हल्की फुल्की। तो अब देखते हैं क्या पता हम एक दिन और एक्स्ट्रा यहाँ पर रुक सके। हाँ बढ़िया जगह है, इकट्ठी कर रहा है। अच्छा ठीक है ना, उसने कर दी। सुबह से कुछ नहीं खाया भाई और टाइम हो गया है 12:30 एक सत्ताईस भाई। आप समझ गए? तो मैंने 3 मिनट लेने को दिक्कत पड़ा।